हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। ये आमदार जी का निधि है क्या? आमदार की निधि से नहीं है तो कौन लगा रहा है पैसा? ये संघाई तो तुम बना नहीं सकते हो। तुम क्यों पूछ रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो सजावट का काम हो रहा है गटर नाले के ऊपर, वो उनका है। तो गलत क्या काम? मैं वोट लेने का काम करने के लिए ये सब छोटे काम करते हैं। ये सारे काम जो है आमदार की निधि से हो रहे हैं। उसके बोकस नगर सेवा 3 थे, मैं हाई कोर्ट से इनको रिजेक्ट किया। ग्रीन यानी के हरा भरा, पार्क यानी के गार्डन। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के तनवर नगर इलाके में नाले पर हो रहे ब्यूटिफिकेशन के काम पर MIM पार्टी के जावेद सिद्दीकी और NCP पार्टी के यूनुस शेख में जुबानी जंग शुरू हो गई है। वही यूनुस शेख ने जहां चेतावनी देते हुए कहा था कि तनवर नगर को ग्रीन पार्क बनते देर नहीं लगेगी, ऐसा यूनुस शेख पर आरोप लग रहा है। और जावेद सिद्दीकी अब नाले पर ब्यूटिफिकेशन के काम और इस काम में किसका पैसा लगा है, इस पर गुनाह दाखिल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। पहले सुने MIM पार्टी के जावेद सिद्दीकी ने क्या कहा है, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे NCP पार्टी के यूनुस शेख ने भी क्या कुछ कहा है। मगर सबसे पहले आप सुने कि जावेद सिद्दीकी का इस पर क्या कहना है। जावेद भाई, तनवर नगर ब्यूटिफिकेशन में आपने RTI द्वारा जानकारी निकाली है, क्या पूरी जानकारी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो मुमरा शहर में जो भ्रष्टाचार आज 15 साल से वार्ड नंबर 30 में हो रहा है, उसका खुलासा मैं जागृत किया हूँ। अब आपने जो ये सवाल किया है कि ये तनवर नगर में जो एक सजावट का काम, मैं तो बोलूँगा सजावट का काम जो हो के इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन को लोगों की वोट लेने के लिए ये एक लुभाने का तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने TMC के ऑफिसर को, सहायक आयुक्त और धनंजय गोस्वामी से पूछा लेटर में, तो मुझे जवाब मिला कि ये जो आमदार की निधि से ये ब्यूटिफिकेशन जो भी है, जो सजावट का काम हो रहा है गटर नाले के ऊपर, वो उनका है। तो मैंने बोला ठीक है, आमदार अगर ऐसा पूरे शहर में सजावट का काम करे तो ऐसा आमदार सहित महाराष्ट्र में नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन जब मैंने जिला कलेक्टर समिति को जब मैं माहिती मांगा कि भाई ये जो आमदार का काम हो रहा है ब्यूटिफिकेशन सजावट का जो काम तनवर नगर नाले के ऊपर, ये आमदार जी का निधि है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा तनवर नगर में कोई निधि वगैरह नहीं हमने दिया है। तो स्पष्ट हो गया है कि ये लोग जो है लोगों को लुभाने के लिए, इलेक्शन अभी आ गया है 6 महीना पहले, ये लोग जो है लोगों को लुभाने के लिए ऐसे खोटे खोटे काम करते हैं। आमदार की निधि नहीं है? नहीं, उसमें आमदार की निधि है नहीं है। और जो ऑफिसर लोग वहाँ पे आए थे सर्वे कर रहे थे, उनको भी पता है कि TMC का पैसा नहीं है और ये आमदार का भी नहीं, लेकिन वो साथ देते गलत लोगों को। और मैं इंशाल्लाह मंडे के दिन उनसे सवाल जवाब करके और मैं उनके ऊपर केस करने की बात करूंगा और कमिश्नर और थाने को, मैं आयुक्त को, मैं उनको FIR करूंगा कि ये लोग कहीं भी TMC की जगह के ऊपर बगैर वर्क आर्डर के, बगैर परमिशन के, तोड़ के कुछ भी करते हैं। अच्छा, आपके पास लेटर है क्या वो जिसमें जिक्र है कि आमदार की निधि नहीं है? जी, मेरे पास लेटर है, मैं आपको भेजता हूँ। आप बाकायदा सबूतों के आधार में हमारी मुमरा की जनता को बताओ कि ये लोग सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने का काम करने के लिए ये सब छोटे काम करते हैं और इसके ऊपर, इससे हमारे जनता को क्या मिलेगा ब्यूटिफिकेशन वहाँ करने से? वाहवाही के सिवा लोगों को फायदा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाले के ऊपर
ये जो काम हुआ है ये बन नहीं सकता। अगर ऐसा ही करना है आमदार साहब को तो पूरे मुमरा के नाला में ब्यूटिफिकेशन बना दो ताकि मुमरा संघाई बने। संघाई तो तुम बना नहीं सकते हो और ये जो है धरावी जरूर आप बना देंगे। भाई हर इलेक्शन में ये जो है जो भी कैंडिडेट आता है ये ऐसे ही हटकंडे इस्तेमाल करते हैं। पिछले बार इनके बोकस नगर सेवक 3 थे, मैं हाई कोर्ट से इनको रिजेक्ट किया। इनको जो है जनता को लुभाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने एक चैनल के माध्यम से, ग्लोबल मीडिया के चैनल के माध्यम से मुमरा की जनता आवाम को इन्होंने कहा है कि अगर मेरे गलत काम के ऊपर ये कोई आवाज़ उठाता है जो मैं करता हूँ तो ग्रीन पार्क बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। वो भी मैं प्रशासन को लेटर दिया, गृह मंत्रालय से आ चुका है, DCP का आवक जावक नंबर मैंने लेके आया, मुमरा पुलिस स्टेशन में है, इंशाल्लाह वो भी मैं FIR दर्ज कराऊंगा। और अगर कोई गलत करता है काम तो कोई भी हो मैं उसके खिलाफ कायदा के ऊपर जाऊंगा। गलत मैं करूंगा नहीं, ना गलत करने दूंगा। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट हो रहा है। हालांकि यूनुस शेख ने कहा है कि उन्होंने तनवर नगर को ग्रीन पार्क करने की बात कही थी, मगर ग्रीन यानी कि ब्यूटिफिकेशन करने की बात वो कह रहे हैं, किसी को धमकी या चेतावनी नहीं दी थी। मगर हमने जब यूनुस शेख से निधि संबंधित और वर्क ऑर्डर का पेपर मांगा तो उन्होंने कहा कि हम आपको भेज देंगे, मगर उन्होंने अभी तक हमें भेजा नहीं है। यूनुस शेख ने इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। यूनुस भाई, तनवर नगर नाके पे जो जो ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, इस ब्यूटिफिकेशन को लेकर जो है MIM के जावेद सिद्दीकी है, उनका कहना है कि ये आमदार की निधि से नहीं काम किया जा रहा है, जबकि आप लोगों ने बताया कि ये आमदार के निधि से काम हो रहा है। क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये तनवर नगर परिसर के अंदर पूरा तनवर नगर, चांद नगर, अमीनाबाद, परकार और कादरी, ये जहाँ पर भी जो भी काम हो रहे, मैंने इसके पहले 10 बार मीडिया और मेरे जो लाइफ में वीडियो चलाए सारों के अंदर हमने बता दिया कि ये किसकी निधि से हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है करके। अगर अभी वो जावेद सिद्दीकी भाई को ऐसा लगता है कि आमदार की निधि से नहीं हो रहा है, लगता नहीं, उन्होंने RTI से निकाला है जानकारी। हाँ, उसमें ये बताया गया है कि ये जो आपका ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, हाँ, इसमें आमदार की निधि नहीं दी गई है। और इसका वर्क ऑर्डर है? सब कुछ है, इसका वर्क ऑर्डर है, सब कुछ है। और अगर ये आमदार की निधि से नहीं हो रहा है तो क्या ये गैब से पैसे आ रहे? इतना बड़ा दिलदार कौन है मुमरा कौसा के अंदर के जो ये 20-25 लाख रुपया खर्चा करके अपना नाम छुपा के आमदार का नाम दे के और ये मेरे से काम करवाएगा? गलत बात है, गलत इन्फॉर्मेशन है। ये सारे काम जो है आमदार की नीति से हो रहे हैं, उसके पहले भी मैंने बताया और अभी भी। कुछ पेपर वगैरह आपके पास है इसके? सब कुछ है हमारे पास, वो आए हमारे साथ बैठे। देखो, वो बहुत जल्दी करते हर काम के, उनको लगा कि ये काम गलत है तो वो आते मेरे पास, मेरे साथ बैठते हैं। यूनुस भाई मेरे को पेपर दिखाओ तो उनको इतने आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखाता, वर्क ऑर्डर दिखाता, आमदार की निधि दिखाता, आमदार से बात करा था फ़ोन के ऊपर उनकी, जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के, तो यह मामला उनका क्लियर होता। खामोखा वो परेशान होते, यहाँ जाते वहाँ जाते। लेकिन उन्होंने जो RTI से जानकारी निकाली है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमने ऐसी कोई निधि दी ही नहीं। पता नहीं इन्होंने शायद कोई सवाल गलत किए होंगे या शायद कहीं पे कुछ गलत मेंशन हुआ होगा या, मगर क्योंकि देखो अगर आमदार की निधि से नहीं है तो कौन लगा रहा है पैसा? ये यही तो वो पूछ रहे हैं कि कौन पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन लगा रहा है? आमदार की निधि से हो रहा है, इतना बड़ा कोई दिलदार नहीं है कि जो इतना पैसा लगा दे अपने आम जनता के लिए। वो पुराना टाइम था जब गनी सकी हुआ करते थे, जो अपना नाम छुपाया करते थे, वो टाइम अब रहा नहीं। अब तो आदमी एक छोटा सा काम करता है तो 100 बैनर लगाता है कि भाई मैं हूँ। वो तो खैर हमारे आमदार की वैसी आदत थी, मगर मैंने 100 बार बोल दिया
मैंने 10 बार बोल दिया, और अगर उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है वो आए मेरे पास बैठे, अगर मेरे पास टाइम है, क्योंकि आजकल मैं आवाम की सेवा में इतना मुफ्ती लाऊँ सुबह शाम मैं लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। इसमें कोई मेरा ये नहीं है कि मैं इससे पैसे कमा रहा, अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है, खाता पीता काम धंधा सब कुछ है मेरे पास, मगर ये मेरा शौक है। भाई आप कुछ खुलासा करेंगे कि आमदार की निधि का पैसा है या और कहीं से आप लगा? आमदार की निधि का पैसा है, बिल्कुल किसी और का पैसा नहीं है। ये काम किया अभी कंधारी का, मैंने फुटपाथ जो बनाया हूँ वो भी तो उन्होंने देखा, वो जिसकी निधि है वही उसी की ये निधि है। मैंने नाटकर का फुटपाथ जो बनाया वो जिसकी निधि है उसी की ये निधि है। मैंने मूनलाइट और एडन का जो काम किया वो जिसकी निधि है ये भी उसी की निधि है। एक ही आदमी की निधि है और एक ही आदमी की निधि से हम काम करते हैं, हम 10 जगह जाते नहीं हैं। अच्छा, आपने शायद ऐसा भी कहा है कि तनवर नगर को ग्रीन पार्क होने में देर नहीं लगेगी, तो गलत क्या कहा? मेरी बात सुनिए, आज मैंने ये सारी चीज़ें ग्रीन किया। चेतावनी या धमकी क्या था? नहीं, ये समझ का ये है। इंसान को देखो, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर उसी को कंसंट्रेट करती है जो दिमाग से सुनता है और समझता है। अभी उनको समझने में गलती हो गई होगी या जो भी है, मेरा बोलने का यह मतलब था कि तनवर नगर ग्रीन यानी के हरा भरा, पार्क यानी के गार्डन। आज मैं ये ग्रीन किया हूँ तो मेरा ये बोलना है कि हमारे जीत के आने के बाद तनवर नगर को हरे गार्डन में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा, ये हमारा बोलने का। उन्होंने गलत वे में ले लिया, अब ग्रीन पार्क से उनका क्या जुड़ा है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन आप तो कह रहे हैं आमदार की निधि का है, लेकिन उनका साफ इनकार है, जानकारी भी उनके पास है तो वो लाए मुझे बताए, मैं मेरे लेटर उनको दिखाऊं। आप मीडिया में भी पेपर दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे पास वर्क ऑर्डर है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, वो आए बैठे हमारे साथ के इनुज भाई दिखाओ, हम दोनों अपने पेपर शो करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो एक बात सुनो मेरी बात, इलेक्शन अपनी जगह है, आवाम की सेवा अपनी जगह है, आवाम के काम अपनी जगह है, वो कोई हमारे से गैर नहीं है। जावेद सिद्दीकी साहब जो है वो भी हमारे मोहल्ले के ही है, हमारे भाई है, उनको कुछ ऐसा तकलीफ लगती है, उनको गलत काम लगता है, इन्होंने कुछ गलत करा तो पहला मेरे से सवाल कर ले, क्या उनकी मेरी बातचीत नहीं है, क्या उनकी मेरी सलाम दुआ नहीं है? बिल्कुल है, परसों भी मुझे मिले थे अमीनाबाद के पास। वर्क ऑर्डर आप देखें, हम भी डिस्प्ले पे लगा देंगे इंशाल्लाह, मैं मंगा लेता हूँ वर्क ऑर्डर, अभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, मैं उसे मंगा के आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिना वर्क ऑर्डर के हमेशा गलत काम नहीं कर रहा, दुनिया में कई गलत काम हो रहे हैं। और एक बात मैं बोलता हूँ चाहता हूँ यहाँ पे आपके माध्यम से, कि अगर ये मैं समझ लो काम हो रहा है तो ये अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है ना, आवाम की सेवा के लिए। तो ये कहाँ से आया, ये क्यों हुआ, इसका पूछने के बजाय कुछ दूसरे गलत गैर कामों में आगे बढ़ेंगे तो मैं खुद जावेद भाई के साथ खड़े रहूँगा। ये तो आवाम का काम हो रहा है, इसमें क्यों पूछ रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ जावेद सिद्दीकी और दूसरे तरफ यूनुस शेख, ये दोनों अपने ही अपने हथकंडे अपनाकर चुनावी तैयारी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।